Welcome students, today we are going to begin a new chapter of our standard 10 science syllabus, that is your chapter number 10, space missions. Guys, this is a very simple and a small chapter. It's a theoretical chapter, but a lot of theory questions can come from this chapter. Okay, it's a pretty simple chapter. Theory chapter hai, main aapko theory samjha dunga. Haan, kuch problems bhi hai, aisa nahi ki complete theory hai. There are some problems in this chapter. Kuch formulas bhi padhne, kuch derivations bhi hume dekhne, formulas bhi dekhne, okay? To wo bhi hum dekhenge. But overall, 70% of this chapter is theory. 30% of this chapter is problems and formulas, okay? So try and understand this chapter pretty well. It's a very interesting chapter. Like, it will help you to understand a lot about what are space missions, okay? Before starting the chapter, let me introduce myself again. My name is Pettiwala Mohammed Salman. I'm a mechanical engineer from IIT Madras, gold medalist, and I'll be taking this particular topic, space missions, okay? Let's start space missions. So, dosto, space missions, ye sun karke, dimag mein what comes at the first instinct, हमें दिमाग में आता है कि हाँ कुछ स्पेस में जाने वाला मिशन, right? आप लोग ने देखा होगा कि इंडिया में, US में, रशिया में, अलग-अलग कंट्री से हम स्पेस सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, right? ऐसा रॉकेट को लॉन्च होते हुए देखा जो ऊपर जाता है, बिल्कुल देखा होगा। नहीं देखा होगा तो इस चैप्टर के एंड में वीडियो लाइब्रेरी के समय मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक वीडियो दिखाऊंगा, एक्चुअल वीडियो दिखाऊंगा कि स्पेस सैटेलाइट कैसा लॉन्च होता है, ठीक है? तो यू नो इंडिया में भी स्पेस सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, कहाँ होते हैं पता है? आंध्र प्रदेश में होते हैं, श्री हरिकोटा, वहां पर से हम इंडिया वाले जो साइंटिस्ट होते हैं, दे लॉन्च स्पेस मिशंस, ओके, दे गो दैट दो सैटेलाइट्स गो इनटू स्पेस, राइट? आप लोगों ने रिसेंटली अगर न्यूज में पढ़ा होगा तो यू माइट हैव हर्ड कि इंडिया हैज लॉन्च अराउंड 100-105 सैटेलाइट्स टुगेदर, एक साथ इतने सैटेलाइट्स हमने भेजे, ओके? यू माइट हैव ऑल्सो रेड इन द पेपर्स, इंडिया हैज सेंड इट्स सैटेलाइट टू मार्स, मार्स तक हमने अपना सैटेलाइट भेजा है, राइट? सो देयर लॉट ऑफ न्यूज हियर एंड देयर. सिमिलरली यू माइट हैव हर्ड ऑफ दिस वर्ड नासा, NASA, नासा. नासा क्या है? नासा इज वन ऑफ द स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इन USA, ओके? उसका फुल फॉर्म यू कैन अंडरस्टैंड, इट इज नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ओके? ये वर्ड तो आप लोग ने सुना होगा, फिलहाल के लिए सिर्फ लिख देता हूं, नासा, राइट? इट्स अ US बेस्ड, अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है, USA organization. India ki organization is ISRO, ISRO. This is Indian organization. Okay, it's Indian organization. It leads to deals with how space missions are launched in India. Okay, Indian Space Research Organization. So, dosto, is space missions basically hai kya? You know ke in the 20th century, because of certain developments, technology jaisa progress hote gayi. मैन स्टार्टेड थिंकिंग कि अब हमें अर्थ पे सिर्फ नहीं रहना है, हमें अब अर्थ से थोड़ा ऊपर उठना है. अर्थ से ऊपर उठना है मतलब कुछ ऐसे स्पेस मिशंस बनाने हैं, कुछ सैटेलाइट्स बनाने हैं, कुछ रॉकेट्स बनाने हैं, ताकि मैं अर्थ से मून पे जा सकूं, या अर्थ से मार्स पे जा सकूं, या अर्थ के ऊपर सैटेलाइट भेज सकूं, राइट? और ये सैटेलाइट के बहुत सारे यूज है. आप लोग अभी घर में, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का मैच ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ठीक है, क्रिकेट मैच हो रहा है, मुझे मुंबई में बैठ करके ये मैच देखना है, तो मैं कैसा देखूंगा? टीवी चालू करूंगा तो आप देखते हो लाइव मैच आ रहा है. वो लाइव मैच कैसे आता है पता है? इट वाज विद द हेल्प ऑफ दी सैटेलाइट्स. सैटेलाइट्स जो होते हैं वो सिग्नल्स ऑस्ट्रेलिया से इंडिया तक भेजते हैं, लाइव सिग्नल्स भेजते हैं, राइट? हेंस आप लोग लाइव टीवी देख सकते हो. ये एक यूज है सैटेलाइट का. वैसे तो बहुत सारा यूज है. इंटरनेट आप यूज करते हो, राइट? सब लोग ने व्हाट्सएप यूज किया होगा, यूट्यूब यूज किया होगा, गूगल यूज किया होगा, इंटरनेट सब यूज करते हैं. दिस इंटरनेट इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ सैटेलाइट्स. अगर सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं होता ना, तो हम इंटरनेट यूज ही नहीं कर सकते, व्हाट्सएप यूज ही नहीं कर सकते, फेसबुक यूज ही नहीं कर सकते, राइट? सो दे आर सो इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. एंड लेट मी टेल यू गाइस, आज के टाइम पे देर आर नॉट वन और टू सैटेलाइट्स. हमने ह्यूमंस ने एक दो सैटेलाइट्स नहीं भेजे, देर आर थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स इन स्पेस, ओके? सो आई विल जस्ट राइट इट डाउन. देर आर थाउजेंड्स, अराउंड थाउजेंड सैटेलाइट्स सेंड इन स्पेस.
जिसमें से इंडिया ने भी बहुत सारे भेजे, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका ही सैटेलाइट्स भेजता है, नहीं इंडिया भी भेजता है, ठीक है, वी आर ऑल्सो वेल प्रोग्रेस्ड इट। एंड दोस्तों अगर ये सैटेलाइट को भेजने का, दिस इज कॉल्ड एज अ स्पेस मिशन, इसे ही स्पेस मिशन कहते हैं, ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ दीज सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स को मून पे भेजना, कहीं और भेजना फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड स्पेस मिशंस। और स्पेस मिशंस दोस्तों दो कैटेगरीज के होते हैं, लेट अस डिफाइन दिस टू कैटेगरीज। सो इफ आई टॉक अबाउट स्पेस मिशंस, then they are into two categories, they can be divided into two categories. The first category of space mission is to put artificial satellites around the earth for research and useful applications. Main likh deta hu pehle, to put satellites around the earth for research and useful applications. ये पहला टाइप है, इसका क्या मतलब, हम सैटेलाइट तो भेज रहे हैं अराउंड द अर्थ, अर्थ के आसपास, ताकि हम यूजफुल एप्लीकेशन यूज कर सके, यानी टीवी देख सके, इंटरनेट यूज कर सके, राइट, दे आर यूजफुल एप्लीकेशन। ये सब एप्लीकेशन के लिए अगर सैटेलाइट भेजते ना, टीवी के लिए या इंटरनेट के लिए या कम्युनिकेशन के लिए, तो वो इस कैटेगरी में आता है, ठीक है। सो एग्जाम्पल इन दिस कैटेगरी विल बी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, राइट, ओके। सो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टीवी के लिए, एक कॉमन में लिख देता हूं, टेलीविजन वॉचिंग, राइट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, टेलीविजन के लिए, दिस इज कॉल्ड दैट टाइप ऑफ स्पेस मिशन। और दोस्तों कुछ कुछ हम स्पेस मिशन या सैटेलाइट इसके लिए भेजते हैं ताकि हम सोलर सिस्टम के बारे में स्टडी कर सके, राइट, अगर मुझे अर्थ मून की या मून की स्टडी करनी है या मार्स की स्टडी करनी है या प्लूटो की स्टडी करनी है या वीनस की स्टडी करनी है या सन के बारे में कुछ स्टडी करनी है, तो अगर सोलर सिस्टम के बारे में स्टडी करनी, उससे हम मोबाइल का काम यूज नहीं लेंगे, राइट, उससे हम इंटरनेट नहीं चलवाएंगे, उससे हम टीवी नहीं देखेंगे, उससे हम सिर्फ और सिर्फ सोलर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, राइट। सो दैट कम्स अंडर द सेकेंड कैटेगरी, टू स्पेस मिशंस आर देयर टू स्टडी अबाउट द सोलर सिस्टम, एग्जाम्पल डिफरेंट प्लैनेट्स, राइट, डिफरेंट अबाउट डिफरेंट प्लैनेट्स, सन के बारे में स्टडी करना है, सोलर सिस्टम के बियॉन्ड भी कुछ स्टडी करना है, तो भी वो इस कैटेगरी में आता है, ठीक है, इससे हम मोबाइल और इंटरनेट के लिए यूज नहीं करते, ओके, फाइन। सो दीज आर द टू बेसिक मेन क्लासिफिकेशन ऑफ योर स्पेस मिशंस, ओके। एंड दोस्तों देयर आर सर्टेन नेम्स, वेरी वेल नोन नेम्स, ओके, इन स्पेस मिशंस, इंडिया से और इंडियन ओरिजिन से, देयर आर थ्री पीपल हु आर वेरी वेल नोन इन स्पेस मिशंस। द फर्स्ट नेम इज मिस्टर राकेश शर्मा। राकेश शर्मा एक एस्ट्रोनॉट थे, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू स्टेप ऑन द मून, राइट। आप लोगों को पता है द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून वॉज नील आर्मस्ट्रांग, राइट, ये तो सबको पता है, नील आर्मस्ट्रांग, ओके, जस्ट कंफर्म विद द स्पेलिंग, यू कैन से नील आर्मस्ट्रांग, या दिस, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून। बट इंडियन कौन था, सबसे पहले इंडियन कौन था, तो ही हैड गॉन इन अ रशियन स्पेस मिशन, हिज नेम वॉज राकेश शर्मा, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन, नील आर्मस्ट्रांग वॉज फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून, ओके, राकेश शर्मा वॉज फर्स्ट इंडियन टू स्टेप ऑन द मून, ये रिमेंबर, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है। ओके, एंड स्पेस मिशंस में दो और बड़े बड़े नाम है, द फर्स्ट नेम इज सुनीता विलियम्स एंड कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स एंड कल्पना चावला, दे आर ऑनरेबल मेंशन हैज टू बी डन हियर, ओके। सो दे वर ऑल्सो साइंटिस्ट या आई मे से एस्ट्रोनॉट्स,
which they were of Indian origin and they used to work in NASA. NASA में वो लोग काम करते थे, okay? और उन्होंने भी बहुत सारे अपने lives में space missions करे. ज़्यादा जानकारी if you want about it, then you can read in the textbook, okay? There has been given lot of information about their lives, okay? To inspire us to study more and more about space missions, okay? Now, दोस्तों, after mentioning their names, let us go on to the next concept and try and understand what is the need and importance of space missions. क्या जरूरत है सैटेलाइट्स को भेजने की? What is the need? Right? So let us try and understand that. Need and importance of space missions. So दोस्तों, a lot of importance is there. बहुत यूज होता है आजकल की लाइफ में, राइट? जैसा कि मैंने कहा, इफ यू वांट टू कम्युनिकेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यू नीड इंटरनेट, राइट? इंटरनेट इज आल्सो अवेलेबल बिकॉज ऑफ स्पेस कम्युनिकेशन, राइट? सो लेट मी राइट डाउन जस्ट इन बुलेट पॉइंट्स, मैं पॉइंट्स में लिखता हूँ नीड एंड इंपॉर्टेंस में. सबसे पहला पॉइंट लिखूंगा इंटरनेट. इंटरनेट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ स्पेस मिशन, राइट? वी गेट एक्सेस टू इंटरनेट, different websites and all of the data done through space missions, okay? Satellites ki wajah se hi hua hai, okay? Uske alawa dosto, if you want to communicate, right, your mobile phones, they also work with the help of satellites that are there in space, right? So I can say communication systems into bracket, I'll write down now, communication systems, bracket mein main likhunga mobile phones, right? और आप देख सकते हो टेक्सटबुक में एक डायग्राम भी है दैट एक्सप्लेन्स हाउ यू कैन टॉक विद द हेल्प ऑफ अ सैटेलाइट, राइट? मैं जो टेलीफोन लगाता हूँ, लेट्स से मैं यहां से दिल्ली बात करना चाहता हूँ, इफ आई वांट टू टॉक फ्रॉम लाइक मुंबई टू दिल्ली, तो जो मैं यहां से बात करूंगा वो पहले सैटेलाइट में जाएगा, सैटेलाइट से फिर वो दिल्ली तक वो इन्फॉर्मेशन भेजेगा, राइट? सो दैट्स द वे कम्युनिकेशन इज बेसिकली डन, ओके? नाउ what is the other use of space mission? So दोस्तों सिर्फ यही use नहीं है, इसके अलावा if we want to study the different environmental conditions या natural calamities के बारे में भी मुझे warn करना है ना, तो ही मुझे क्या करना पड़ता है, space missions का use वहां पर भी होता है. For example, आप लोग ने देखा होगा कभी ऐसा टीवी चालू करके देखा है, वो लोग बोलते हैं आज का temperature होने वाला है 30 degree Celsius, या बोलते हैं कल बारिश आने वाली है, टीवी पे आता है, राइट? कभी कभी देखा होगा, या आपने टीवी खोल के देखा होगा तो न्यूज चैनल पे बताते हैं इस जगह पे बाढ़ आने के चांसेस है, देयर आर गुड चांसेस ऑफ फ्लड कमिंग इन दैट पर्टिकुलर प्लेस, बहुत बारिश आएगी, फ्लड हो जाएगा, टीवी पे देखा है, या बोलते आंधी आने वाली है, लाइक लॉट ऑफ फास्ट एयर ब्लोइंग अराउंड, राइट? सो वो सब नेचुरल कैलामिटीज के बारे में कैसे पता चलता है, सैटेलाइट हमें बताते हैं कि हाँ अर्थ की तरफ या हमारे मुंबई की तरफ या हमारे दिल्ली की तरफ बहुत जोरदार हवा आ रही है, कैसा पता चलता है, विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स, राइट? अगर हमें इन नेचुरल कैलामिटीज के बारे में पहले से पता चल जाए, अगर मुझे पता चल जाए कि टॉर्नेडो आने वाला है या वेरी साइक्लोन आने वाला है, राइट? साइक्लोन के बारे में भी सैटेलाइट हमें बता देते हैं साइक्लोन आने वाला है, तो हम उसके लिए प्रिपेयर रह सकते हैं, राइट? अगर हमें पता चल जाए कि अरे फ्लड आने वाला है, बाढ़ आने वाली है, अगर किसी एरिया में पता चल जाए तो हम उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, राइट? सो देयरफॉर सैटेलाइट आई मे से स्पेस मिशंस आर यूज्ड फॉर प्रिडिक्टिंग नेचुरल कैलामिटीज, ओके? लाइक इनटू ब्रैकेट में लिख देता हूं फ्लड्स, साइक्लोन्स, इनके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है, राइट? हमें कभी कभी आप लोग देखो कि कहा जाता है कि फ्लड आने वाला है, सब लोग अपने अपने घरों में रहे, राइट? बहुत बारिश आने वाली है, ऐसा कभी कभी बताया जाता है. कैसा बताते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्पेस मिशंस, ओके? एट द सेम टाइम गाइस, सैटेलाइट्स और स्पेस मिशंस आर आल्सो यूजफुल फॉर द फैक्ट दैट ड्यूरिंग वॉर, अगर वॉर सिचुएशन में हमें एनिमी के बारे में पता करना हो कि एनिमी के पास क्या मिसाइल्स है या एनिमी के पास कौन से वेपन्स है, तो दोस्तों क्या करते हैं पता है, सैटेलाइट्स का ऊपर से यूज करते हैं. ऊपर से सैटेलाइट्स क्या करता है पता है, एनिमी की जो एरिया होती है वहां पर पिक्चर्स कैप्चर करके हमें बताता है, अरे उसके पास ये बॉम्ब है, अरे उसके पास ये मिसाइल है, राइट? सो टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द एनिमी इन द वॉर. In the war situation. Hence, हमें पता लग सकता है
कि एनिमी के वेपन्स कहाँ कहाँ है, रॉकेट्स कहाँ है उसके, राइट? ओके, सो इस तरह से ये हेल्प करता है. एट द सेम टाइम दोस्तों, जमीन के अंदर फॉसिल रिसोर्सेज या फॉसिल फ्यूल्स कितने हैं, फॉसिल रिसोर्सेज मिनरल्स कितने हैं, कहां पर किस जमीन के अंदर सोना मिलेगा, कहां पर चांदी मिलेगा, कहां पर यू विल गेट अ लॉट ऑफ आयरन ओर, राइट? दीज मिनरल्स, डायमंड्स, इनके बारे में भी सैटेलाइट्स ऊपर से इंफॉर्मेशन देते हैं कि इस रीजन में गोल्ड है, इस रीजन में नेचुरल मिनरल ऑयल है, राइट? इस रीजन में पेट्रोल है. वो इंफॉर्मेशन भी कौन देता है? हमारे स्पेस मिशंस के थ्रू मिल जाता है. ओके, सो फॉसिल मिनरल्स, आई कैन से फॉसिल रिसोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. फॉसिल रिसोर्सेस एंड मिनरल्स के बारे में वी गेट इंफॉर्मेशन, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है विच वी गेट थ्रू आर्टिफिशियल सैटेलाइट और बेसिकली आर स्पेस मिशंस. ओके, सो दोस्तों बेसिक आइडिया ये है. डिटेल यूजेस मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? वी लुक इनटू डिटेल व्हाट आर द यूजेस. ओके, बट फ्रेंड्स यू नो कि हम हमारे अर्थ से आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजते हैं, राइट? बराबर. फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज माय अर्थ, लेट अस डिस्कस अ फ्यू थिंग्स अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. Let's say this is my earth. ये earth है मेरा. तो मैंने अगर इस पे से एक artificial satellite भेजा, let's say मैंने यहां से एक artificial satellite यहां पर भेजा, ये मेरा artificial satellite, तो क्या वहां पर है कि कुछ नहीं करेगा? नहीं, वो बहुत कुछ करेगा. वो क्या करेगा पता है? It will revolve around the earth, right? वो earth के आसपास ऐसा चक्कर काटेगा. Okay, it will revolve around the earth in fixed orbits. So what is the job of an artificial satellite, guys? So artificial satellite is an object that revolves around the earth in fixed orbits, is called an artificial satellite. Okay, satellite, just let me confirm with the spelling. Jab hum satellite ki spelling, is it a satellite? Okay, it's called an artificial satellite. Aur dosto satellite ki baat karu to artificial satellite to earth ke aas paas ghoomte rehte. What is the natural satellite of the earth, batao? To natural satellite of the earth is moon, right? जो चंद्रमा है, मून है, मून इज आर नेचुरल सैटेलाइट. वो नेचुरली अर्थ के आसपास घूमता रहता है. ओके, सो मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. राइट, इट्स द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. और दोस्तों लेट मी टेल यू कि पता है पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कब भेजा गया था? इट वॉज सेंड इन द ईयर 1957 बाय सोवियत यूनियन. ओके, सोवियत यूनियन रशिया जो था, यूएसएसआर था पहले उस समय, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा. उन्होंने फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा था जिसका नाम था स्पटनिक. ओके, सो आई जस्ट राइट दैट डाउन. स्पटनिक वॉज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट send into space by Soviet Union in 1957. Okay, तो first satellite उस समय इतना पहले भेजा गया था. Okay, for that particular purpose. और दोस्तों एक सैटेलाइट का अगर आप पिक्चर देखोगे ना, तो आपको एक पिक्चर अगर देखने को मिले, गूगल करके जरा देख लेना कि सैटेलाइट कैसा दिखता है. आप देखोगे एक सैटेलाइट को, या तो अपने टेक्स्ट बुक पे ही देखो, पेज नंबर 10.1 पे देखो, एक सैटेलाइट कुछ इस तरह से दिखता है. उसका एक रफ डायग्राम बनाता हूं मैं. ऐसा सैटेलाइट बीच में कुछ होता है और उसके दोनों साइड विंग्स होते हैं. दोनों साइड उसके क्या होते हैं? ऐसे विंग्स होते हैं. ये जो विंग्स होते हैं उसको हमेशा देखो ऐसा कुछ बनाया जाता है. ओके, पता है इन विंग्स पे क्या रखा जाता है? इन विंग्स पे फोटोवोल्टेक सेल रखा जाता है. ओके,
So I'll just write that down. Photovoltaic cells are present on the wings of an on the wings of a artificial satellite. ये फोटोवोल्टेक सेल का दोस्तों काम क्या होता है पता है? हमारी स्पेस में बहुत सारी सोलर एनर्जी है, राइट? आपको ये बात पता है? स्पेस में बहुत सारी सोलर एनर्जी है, तो ये फोटोवोल्टेक सेल हमारे क्या करते हैं पता है? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ताकि हम वहां पर हम उस सैटेलाइट को पावर कर सके, राइट? बराबर, हर चीज को पावर लगता है चलने के लिए. अगर मैं कहूं हमारे मोबाइल फोन को भी पावर लगता है, बिना मोबाइल फोन, बिना पावर के मोबाइल फोन भी नहीं चलेगा. अब मुझे एक बात बताओ कि अगर सैटेलाइट ऊपर भेजा, उसकी बैटरी खत्म हो गई, तो क्या हम चार्जर लेके वहां पर चार्जिंग करने जाएंगे? नॉट पॉसिबल, राइट? तो हम वहां पर क्या करते हैं पता है? वी यूज सोलर एनर्जी, राइट? स्पेस में तो बहुत सारी सोलर एनर्जी, आपको ये बात पता है. सो सोलर एनर्जी को वहां पर यूज करते हैं, वहां पर ही पावर जनरेट करते हैं और वहीं पर पावर यूज कर लेते हैं, राइट? हेंस हमें बार-बार उसे चार्ज करने की जरूरत नहीं होती, राइट? सो फोटोवोल्टेक सेल, आई कैन से व्हाट डज इट डू? इट कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को में कन्वर्ट करते हैं, व्हिच इज यूज्ड बाय द सैटेलाइट, व्हिच इज यूज्ड बाय द सैटेलाइट. बराबर, सैटेलाइट को चलने के लिए, काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, राइट? तो ये फोटोवोल्टेक सेल से हमें मिलती है. और दोस्तों एक सैटेलाइट का काम क्या होता है पता है? सैटेलाइट, अगर मैंने यहां पर, लेट्स से मैं अर्थ पर यहां पर बैठा हूं और मुझे यहां पर इंफॉर्मेशन भेजनी है, ठीक है? तो लेट्स से मैच ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, मैच को हमें इंडिया में लाइव दिखाना है, तो सैटेलाइट क्या क्या होगा? हम सिग्नल्स हमारे ऑस्ट्रेलिया से पहले सैटेलाइट को भेजेंगे, राइट? सैटेलाइट्स उन सिग्नल्स को रिसीव करेगा, राइट? पहले वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, बाद में उस सिग्नल्स को वो वापस देगा, राइट? तो वापस इंडिया भेजेगा, राइट? सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिसीवर रिसीविंग, ओके? पहले वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, फिर वो क्या करेगा? इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा. इन्फॉर्मेशन देने को कहते हैं ट्रांसमिट करना, लेने को कहते हैं रिसीव करना, राइट? फाइन, सो देयरफॉर आई कैन से instruments, I'll just write down the last sentence somewhere, yahan likh deta hu. Instruments present in the satellite receive and transmit information, right? So this is the basic idea of a satellite, okay? So now guys, please make a note of this basic concepts first, then we can go on to the details of the different types of satellites that are there, aur alag alag type ke satellites ka kya kya use hota hai, we'll also understand that in the next concept. But before going forward, please make a note of this. So friends, while learning this chapter, you have understood the concept of how a rocket is launched, right? To abhi dosto main aapko actually ek video dikhata hu, jisme वो वीडियो में दिखाया जाएगा कि इसरो, यू नो दैट इसरो इज एन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? इसरो ने जब एक रॉकेट लॉन्च किया था, तो किस तरह से वो रॉकेट लॉन्च हुआ था एंड हाउ इट हेल्प आर नेशन, ओके? सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द जीसैट रॉकेट लॉन्चिंग ऑफ इसरो. सो एज यू कैन सी इन दिस वीडियो, यू हैव ऑफिसर्स फ्रॉम इसरो सिटिंग, ओके? एंड दिस इज द रॉकेट, ओके? आई विल गिव यू एन आइडिया, आई विल पॉज द वीडियो हियर. Okay, you can see this is the bottom portion of the rocket, जहां पर हम fire लगाने वाले, and because of that it will start propelling. Okay, the move video moves ahead, everything is kept into account. मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो आगे बढ़ाते जा रहा हूं ताकि आपको आइडिया लगे. Okay, so now let's see, there are 27 seconds left, 22 seconds left, 20 seconds left for the rocket to launch. ऐसा countdown लगता है, right? And literally it happens that they say 10, 9, 8, 7, 6, 5 and the video goes on. So as you can see, now only there are 9 seconds left for my rocket to launch. Dhyan se dekhna kis tarah se video mein hamara rocket launch hota hai. Yeah, it will be triggered now. Yes, it's triggered. Just see the amount of fire. Right, alag alag camera ke views hai. Oh, it's gone up, right? And let me tell you, this rocket was launched from Sriharikota in Andhra Pradesh.
राइट, लुक एट द ब्यूटी. अब मैं वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ. देखो काउंट करो, ये नीचे वही चीज है, ये वही डायग्राम है जो मैंने आपको पढ़ाया था. राइट राइट, इट गोज अप एंड अप एंड अप एंड रीचेस वेयरएवर इट हैज टू. सो सच अ ब्यूटिफुल मोमेंट, राइट? इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अ नेशन व्हेन वी लॉन्च सच टाइप ऑफ रॉकेट्स इनटू स्पेस. राइट, इट गोज अप एंड अप एंड अप. जस्ट सी द अमाउंट ऑफ फायर कमिंग आउट, जस्ट सी द अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्निंग. रॉकेट किस तरह से लॉन्च हो रहा है, ब्यूटिफुल. राइट राइट, एंड दे कंट्रोल इट एंड फाइनली दे से that this rocket is flying successfully in air. Okay, so guys, this is nothing but the launching of a rocket video which I showed that will give you an idea or a perspective how rocket launch takes place. Thank you.